दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास रिंगस में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको कराएंगे सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का मॉडल पेपर। इसके बाद आज शाम को आपको वर्कशॉप क्वेश्चन साइंस का पेपर डाल देंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम 8, 9, 10 तीन दिन के एग्जाम और बचे। जिन बच्चों को अभी एग्जाम नहीं हुई है वो जरूर ये पेपर हल करें, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा विंडो पेपर है और कन्फर्म यहाँ से कम ज़्यादा नहीं 8 या 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के ITI के पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है, साथ ही सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है तथा साथ ही ITI के पल पल के अपडेट दी जाती है। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में लास्ट तक जरूर रहना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी किफ़ायतेमंद है। साथ ही अगर आप टेक्निकल हेल्पर या किसी भी टेक्निकल भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपकी टेक्निकल भर्तियों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सक्रिय तत्व है? तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा सक्रिय तत्व है, यानी जो उत्तेजित करने के काम में आता है। तो दोस्तों इनमें सबसे सक्रिय तत्व है, यानी जो येलो कलर का मैंने निशान लगा रखा वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसमें सेल है, करेक्ट आंसर क्या आएगा? सेल, यानी सेल के द्वारा क्या किया जाएगा? उत्तेजित किया जाएगा। बल्कि प्रतिरोध क्या करेगा? यह धारा का विरोध करता है। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर एक चौंक हो गई जो प्रारंभ में कहीं लगभग 1000 गुना धारा के मान को बढ़ाती है। और डायोड, डायोड क्या करता है? AC को DC में चेंज करता है। तो आपका पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा कि निम्न में से कौन सा सक्रिय तत्व है, इनमें से कौन सा आएगा? सेल सक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरा का विंडो का वंडा पेपर है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या निष्क्रिय तत्व है? तो दोस्तों उसमें सक्रिय पूछ रहा था या निष्क्रिय पूछ रहा है, यानी जो कार्य नहीं करता है यानी ओनली विरोध करेगा। तो इसमें आपका निष्क्रिय तत्व होगा, प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध। बल्कि शेल क्या है? ये सक्रिय तत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपका प्रतिरोध, यानी करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओम का नियम खालिस्तान में लागू नहीं होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे फर्स्ट ईयर का है, लेकिन अभी बात सेकेंड ईयर पूछा गया है कि ओम का नियम खालिस्तान में लागू नहीं किया गया है। DC उच्च करंट, छोटा प्रतिरोध, अर्धचालक, एकदम करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, क्योंकि ओम का नियम AC और DC दोनों में लागू होता है, लेकिन अर्धचालक यानी जर्मेनियम व सिलिकॉन नामक तत्वों में ये लागू नहीं होता है। तो उसका करेक्ट आंसर डी, यानी अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक NPN ट्रांजिस्टर में तीर खालिस्तान को सूचित करते हैं। तो बताओ दोस्तों, एक होता है उसमें तीर यानी एरोइड, यानी इस प्रकार का एरोइड लगा होता है, और आपको मालूम है आपके ट्रांजिस्टर दो ही होते हैं, NPN व PNP। तो यहाँ पर आपको NPN ट्रांजिस्टर में तीर का निशान पूछ रहा है कि किसको दर्शाता है। तो दोस्तों तीर का निशान होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी एमिटर, यानी एमिटर को हमेशा तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। बेस को बी से दर्शाएंगे यानी आधार, और आपका सी यानी कलेक्टर, यानी ये क्या हो गया? संग्राहक हो गया। तो कुल मिला के दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपको यहाँ पर तीर का निशान पूछ लिया तो ये उत्सर्जन यानी एमिटर हो गया। अगर आपको पूछे कि बीच का यानी मध्यम का वाक्य है तो वह बेस या आधार कहलाता है। इसके अलावा एक जैसे यहाँ पर तीर है वहाँ पूछ सकता है कि तीर के अलावा एक भाग आता है शीर्ष प्रदेश का, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टर यानी संग्राहक। तो इस प्रकार आपका इसके अलावा इसी से रिलेटेड किस पूछ सकता है कि PNP तथा NPN ट्रांजिस्टर में किसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो NPN ट्रांजिस्टर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा इसकी जो उत्सर्जन करने की क्रिया ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हुई, क्योंकि P तथा N प्रकार के पदार्थों को मिलाकर हम एक PN जंक्शन डायोड का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, P प्रकार के पदार्थ में क्या आएंगे? होल्स आएंगे, और N प्रकार के पदार्थ में क्या आएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भौतिकता होती है उसकी चालकता अधिक होती है, इसी कारण NPN ट्रांजिस्टर ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, एक NPN ट्रांजिस्टर के परिचालन में इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन के आर पार होते हैं? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो।
एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के परचालन में, यानी यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर में चालन हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन के आर पार हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ समाहित हो जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो अब इसमें देखो आपका करेक्ट आंसर सी आएगा। मैं पूछता हूँ सी क्यों आएगा, मैं बता रहा हूँ सी क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एनपीएन पूछ रहा है। तो देखो एक बार मैं एनपीएन बता दूँ, अब आप ध्यान रखना ये एन फिर ये पी फिर ये एन, अब ध्यान रखना पी प्रकार के पदार्थ में होल आते हैं, ये होल आ गई, बल्कि आपके इधर वाइज ले क्या है मुक्ति इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मुक्ति इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मुक्ति इलेक्ट्रॉन, इधर ही मुक्ति इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इसमें क्या होता है, जब एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है फिर धन फिर ऋण, तो इसमें क्या है ऋण ऋण हो गए, तो इसमें क्या होगा प्रतिकर्षण, और इधर होल की तरफ क्या होंगे फिर समाहित, यानी कुल मिला के ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होल में समाहित हो जाएंगे तो इसमें विद्युत धारा का चालन होगा। तो कुल मिला के इसका देगा पी टाइप बेस रीजन, यानी बेस में क्या हो जाएगा दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन जाके और आपके होल में चले जाएंगे, और जैसे क्यों, क्योंकि आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या है ऋणात्मक और होल्स क्या है धनात्मक, तो ये आकर्षित कर लेंगे, इसमें विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनपुट वोल्टेज का मान क्या होगा यदि ए बीटा, हाँ ए बी बीटा एक और इनपुट वोल्टेज 5 है, तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो ध्यान रखना अगर इनपुट वोल्टेज का मान यदि ए बीटा एक और इनपुट वोल्टेज 5 हो, तो ध्यान रखना इनपुट वोल्टेज का मान भी क्या होगा 5 हो, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, डायोड खालिस्तान टर्मिनल डिवाइस है, यानी डायोड कौन सी टर्मिनल डिवाइस है, तो दोस्तों आप सभी जानते हो डायोड टू टर्मिनल डिवाइस है, टू टर्मिनल डिवाइस कैसे, यानी ये हो गया आपका डायोड। अब इसमें दो टर्मिनल कैसे हो गए, यानी ये तो हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। अब एनोड यानी जिस धातु छड़ के माध्यम से द्वारा विद्युत प्रवेश करती है उसे एनोड कहते हैं, और जिस धातु छड़ के माध्यम से विद्युत द्वारा से बाहर निकलती है इसे कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार आपके डायोड में दो टर्मिनल डिवाइस होती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी यानी दो। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिना स्किप के इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, या अगर पहली बार देख लो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इसी प्रकार की सभी प्रकार की क्लासें डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का अर्थ बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, क्या आएगा इसका लाइट इमिटिंग डायोड, तो करेक्ट आंसर ये, ठीक है दोस्तों, बल्कि ये आपकी और है जो किसी प्रकार की एलईडी की फुल फॉर्म से यही आएगी लाइट इमिटिंग डायोड, तो करेक्ट आंसर सी। यह आपकी लगभग बहुत सी फुल फॉर्म है, ये जरूर याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूजेटी के पास कितने जंक्शन होते हैं, तो बताओ दोस्तों यूजेटी के पास कितने जंक्शन होते हैं। दोस्तों एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का लेसन है जिससे मैं आपको यूजेटी बीजेटी ये सभी प्रकार के क्लियर कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर में इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर एक आएगा। अब काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पहली बार देख रहे हो, तो दोस्तों एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लेके आएंगे, वहाँ पर आपकी पूरी ये चीज़ें क्लियर कर देंगे, तो उसका करेक्ट आंसर एक आएगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूलभूत प्रकार के मटेरियल क्या होते हैं, तो बताओ दोस्तों मूलभूत प्रकार के मटेरियल क्या होते हैं। तो दोस्तों मूलभूत प्रकार के मटेरियल होते हैं आपके शुद्ध अर्ध सुचालक, यानी जिसमें शुद्ध अर्ध सुचालक हो, अगर वो शुद्ध होंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें किसी प्रकार का चालन नहीं होगा, यानी कुल होगा एक तो होता है अशुद्ध एक होता है शुद्ध, तो शुद्ध में क्या होता है इसमें थोड़ा एकदम क्लियर होता है जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन टाइप अर्ध सुचालक बनने के लिए हमें खालिस्तान की मात्रा में वेलेट अशुद्धि मिलानी पड़ती है। हाँ दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हमें खालिस्तान मात्रा में वेलेट अशुद्धि मिलानी पड़ती है, तो कुल मिला के दोस्तों आपका ये 5 दे रहेगा, तो ये हो गया आपका पंचयोजी तत्व, क्या हो गया पंचयोजी, यानी क्या होता है कि पंचयोजी तत्व तथा अर्धचालक पदार्थों को मिलाकर अशुद्धि मिलाकर उसमें चालकता का मान बढ़ाया जाता है, यानी शुद्ध रहेगा तो उसमें चालकता का मान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज रेक्टिफायर के कितने डायोड की आवश्यकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बताओ ब्रिज रेक्टिफायर यानी सेतु दृष्टि कार्य में कितने डायोड होते हैं, 4 डायोड, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों 1 डायोड होता है। इसके अलावा आपको पूछे कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो दोस्तों वहाँ 2 डायोड होते हैं। इसके अलावा आपको पूछे दोस्तों कि 3 फेज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो दोस्तों वहाँ 6 डायोड होते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपके लगभग 4 क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे, हाफ वेव में 1,
फुल वेव में दो, ब्रिज में चार और तीन फेज रेक्टिफायर में छह डायोड होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का उपयोग खालिस्तान को बदलने के लिए किया जाता है, लगभग सभी बच्चों को आता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो रेक्टिफायर यानी एक तरह का डायोड हो गया जो क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप आपको पूछेगी डीसी को एसी में कौन चेंज करेगा, ये एसी को डीसी में हो ही गया, यानी एसी को एसी में कौन चेंज करेगा दोस्तों, एसी को एसी या डीसी को एसी में, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सभी दोस्तों। तो आपको मालूम है एसी को डीसी में रेक्टिफायर डायोड चेंज करता है, आपका इन्वर्टर होता है वो एसी डीसी दोनों में चेंज करता है, और आपका रोटरी कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूनतम थ्रेशहोल्ड वोल्टेज खालिस्तान कहलाती है, यानी न्यूनतम थ्रेशहोल्ड वोल्टेज कहलाती है। अब दोस्तों इसमें न्यूनतम पूछ रहा है, तो अब देखो क्वेश्चन देखो दोस्तों, ड्रिप वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, न्यू वोल्टेज, इनमें से कौन ही, तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें होता है निम्न वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज या अति उच्च वोल्टेज। तो अगला पूछ रहा है कि न्यूनतम थ्रेशहोल्ड वोल्टेज कहलाती है, तो न्यूनतम थ्रेशहोल्ड वोल्टेज दोस्तों निम्न वोल्टेज कहते हैं, यानी न्यू वोल्टेज कहते हैं, इसको बोलेंगे निम्न वोल्टेज। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम रिपल को कैसे हटाएंगे, यानी दोस्तों बताओ हम रिपल को कैसे हटाएंगे, तो दोस्तों प्रतिरोध के साथ, इंडक्टर के साथ, सुबर सर्किट के साथ, फिल्टर सर्किट के साथ। अब दोस्तों यहां पर दे रखा है इंडक्टर, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी रिपल फ्रिक्वेंसी आती है तो उसको हटाने के लिए हम फिल्टर परिपथ काम में लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है इंडक्टर के साथ। तो अब दोस्तों इंडक्टर के साथ क्या लगाया जाए, तो इंडक्टर के साथ हम फिल्टर परिपथ लगाकर इसमें क्या होता है कि रिपल यानी पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इंडक्टर, अब इंडक्टर के द्वारा हम रिपल को कैसे करेंगे, क्योंकि इस प्रकार देखो ये आपका इंडक्टर हो, अब इस इंडक्टर हम जैसे धारा प्रवाहित रहे तो इस इंडक्टर में धारा गुजरने में कुछ समय लग जाएगा, यानी रिपल रुक रही है और लास्ट में आपको एकदम शुद्ध रिपल प्राप्त होती है। तो इसी कारण इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि फिल्टर सर्किट क्यों नहीं आ रहा है, दोस्तों फिल्टर क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में चेंज करता है, बल्कि आपको पूछा यहाँ पर हम रिपल को कैसे हटाएंगे, यानी कुछ रिपल होती है उसको उठाना है, कभी भी पल्सेटिंग डीसी को पूछे तो फिल्टर काम में लेंगे, तो रिपल के लिए हमेशा हम इंडक्टर के साथ लगा कर ही इसको दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर को किसके तौर पर उपयोग किया जाता है, तो बताओ दोस्तों ट्रांजिस्टर को किसके तौर पर उपयोग किया जाता है, प्रतिरोध नहीं दोस्तों, रेक्टिफायर नहीं दोस्तों, ये सभी नहीं दोस्तों, एम्पलीफायर, हाँ दोस्तों एम्पलीफायर के द्वारा ही हम ट्रांजिस्टर को उपयोग में ले सकते हैं, तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटर आईसी सीरीज खालिस्तान के साथ शुरू होती है, तो बताओ दोस्तों किसके साथ होती है, तो दोस्तों आईसी सीरीज इनका ये कोड होता है, तो ये 7878 एक्सएस के साथ ये स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इनकी दोस्तों अलग से क्लास लेके आएंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटर आईसी की एम्प्लीकेशन खालिस्तान होती है, तो बताओ दोस्तों इसकी एम्प्लीकेशन क्या होती है, तो क्या काम में आता है ये रेगुलेटर एम्प्लीकेशन, तो ये स्थिर वोल्टेज देने काम, यानी वोल्टेज स्थिरता के लिए ये उपयोग के लिए काम में आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से प्रकार का रेगुलेटर अधिक कार्य कुशल माना जाता है, तो बताओ दोस्तों निम्न में से कौन से प्रकार का रेगुलेटर अधिक कार्य कुशलता माना जाता है, तो दोस्तों वो होता है आपका स्विचिंग रेगुलेटर, क्या होता है स्विचिंग रेगुलेटर, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सामान्य तौर पर उपयोग होने अर्ध सुचालक खालिस्तान होता है, तो बताओ दोस्तों यहाँ पर आपको सामान्य तौर पर सर्वाधिक उपयोग होने वाला अर्धचालक पूछा जाता है, वैसे आपका जर्मेनियम भी अलग है, कार्बन भी अलग है, सल्फर भी है, सिलिकॉन भी है, लेकिन सबसे सर्वोत्कृष्ट माना गया तो वो दोस्तों आपका सिलिकॉन होता है, सबसे अच्छा अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सुचालक खालिस्तान बोर्ड द्वारा बनाया जाता है, तो बताओ दोस्तों अर्ध सुचालक खालिस्तान बोर्ड द्वारा बनाया जाता है, तो वो बोला था कोवेलेट, किसके द्वारा, कोवेलेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्ध सुचालक की प्रतिरोधकता इन कंडक्टर और इंसुलेटर खालिस्तान है, तो बताओ दोस्तों एक अर्ध सुचालक की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होती है, कि प्रतिरोध के बीच की होती है, यानी इसमें प्रतिरोधकता के बीच की होती है, किसकी, अर्ध चालक की, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, लीकेज खराबी के केस में निम्न वोल्टेज सर्किट को सुरक्षा देने के लिए खालिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये होता है आपका, यानी इसमें क्या होता है कि लीकेज
खराब केस के इसका मन है तो इसमें RCCB यानी रोडी कंक्रीट सीमेंट बॉक्स इस प्रकार का ये आता है जिसमें क्या होता है उसमें लीकेज करंट का मान नहीं होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट है RCCB होता है। LCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेक होगा, मेनिस सर्किट ब्रेक होगा, मोल्डेड क्रॉस सर्किट ब्रेकर ये हो गया। तो इसका अलग अलग है तो इसका करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिंक कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम और मिश्र धातु खालिस्तान के सर्जन है, तो बताओ दोस्तों ये किसके सर्जन है। तो कुल मिलाकर आपको दोस्तों मालूम है कि ये फ्यूज के सर्जन है यानी फ्यूज इसलिए बनाए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है MCB का अर्थ बताइए। दोस्तों लगभग सभी का तो होगा मिनीचर सर्किट ब्रेकर। अब MCB कहाँ काम में आती है यानी जहाँ पर ओवरलोड शॉर्ट सर्किट के दोनों MCB क्या होती है ऑन ऑफ हो जाती है, तो इसके लिए MCB काम में आती है। अगला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, LELCB के लिए खालिस्तान उपयोग में लाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कुल मिला के आपको इसकी फुल फॉर्म में पूछ रहा है ELCB, तो इसका हो गया अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, CRO के फ्रंट पैनल के पास खालिस्तान होते हैं, तो बताओ दोस्तों CRO के फर्स्ट पैनल के पास खालिस्तान। तो आपने देखा होगा तो CRO का जो फर्स्ट पैनल होता है उसके पास क्या होता है, तो उसके पास चार सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं चार सेक्शन, कभी लैब में देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, CRO में फोकस सेक्शन का क्या भूमिका होती है, तो बताओ दोस्तों क्या भूमिका होती है CRO में फोकस सेक्शन का। अगर आपने प्रैक्टिकल किया तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो वो होता है दोस्तों पेनापन नियंत्रण करना। क्या होता है पेनापन नियंत्रण, फोकस से क्या होगा उसका पेनापन हम नियंत्रण कर लेंगे यानी किस प्रकार क्या आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रायोगिक सर्किट में सेचुरेशन कारक की औसत वैल्यू क्या होती है, तो बता दो उसकी औसत वैल्यू क्या होती है, तो उसकी औसत वैल्यू होती है दोस्तों एक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। अब काफ़ी बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपने ट्रेड थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, BJT में उत्सर्जक करंट IP का खालिस्तान आधार करंट के पास होता है, तो मिस अध्ययन करना BJT का जो आधार करंट होता है वो लगभग 5% होता है। कितना होता है 5% होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा BJT में जल्दी प्रभाव को सूचित करता है, तो बताओ दोस्तों कौन प्रभाव होता है, तो उसका थर्मल ब्रेकडाउन है वह जल्दी उस प्रभाव को सूचित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में जुड़े हुए थायरिस्टर क्यों, अब ऑप्शन आपके सामने दोस्तों बताओ क्या है इसमें, तो उसमें यह RC स्ट्रूबर सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रूबर सर्किट कहलाता है, जो उसके श्रेणी में जुड़ा होता है थायरिस्टर उसको कहते हैं RC स्ट्रूबर सर्किट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रिपल फ्रीक्वेंसी को 6-phase हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 220/60Hz का इनपुट जाए। कुल मिला के आप सिंगल फेज में ये दे रहे हो, अब आपको पूछे 6-phase, तो 6-phase के लिए पूछ रहा है तो इसको 60Hz सिंगल फेज के लिए है। अगर 6-phase के लिए पूछो 6 से गुणा कर दो तो 6 6 36 यानी 360 डिग्री, तो करेक्ट 360Hz, तो करेक्ट आंसर कह रहा है डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थायरेट्रोन ट्यूब का थायरिस्टर तुल्यांकन खालिस्तान होता है, तो बताओ तो किसका तुल्यांकन होता है, तो यह सिलिकॉन इंटर रेक्टिफायर का तुल्यांकन होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जैसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे दोस्तों, इसके अच्छे से तैयारी करके जाना। थायरिस्टर मूल रूप से खालिस्तान है, तो बता दो तो थायरिस्टर मूल रूप से खालिस्तान है, तो ये होता है PNPN यानी कुल मिला के आप PNPN। अब इससे क्या हो रहा है दोस्तों, देखो बन रहा है PNP, इसी के अलावा बता दो इसको इधर कर दे तो ये क्या बन जाएगा NPN। तो कुल मिला के आपको पूछ रहा है कि थायरिस्टर मूल रूप से यानी आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किस प्रकार मूल रूप से डिवाइस है, तो ये इस प्रकार की डिवाइस इससे PNP बन रहा है और NPN बन रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, SCR पर SCS के लाभ खालिस्तान होते हैं, तो बताओ दोस्तों SCR पर SCS के लाभ क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका SCR है वो लगभग 100 एम्पीयर AC को DC में चेंज करता है, साथ ही अगर इसमें SCS का लाभ पूछे तो इसमें इसकी स्विचिंग गति तीव्र समय यानी तीव्र स्विचिंग समय और छोटा VH हो जाता है। कुल मिला के आपका जैसे NPN ट्रांजिस्टर की स्विचिंग गति तेज होती है उसी प्रकार फिर आपके SCR की स्विचिंग गति बढ़ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थायरिस्टर में करंट
थायरिस्टर में करंट को बनाए रखने के लिए कौन सी लेंचिंग करंट का अनुपात होता है? तो दोस्तों वो होती है आपकी 2.7 लेंचिंग करंट का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य IE यानी इंडियन अर्थ यानी भारतीय विद्युत नियम का पालन नहीं करता है? तो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर है वह भारतीय नियम का यानी भारतीय विद्युत नियम की पालना नहीं करता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम उच्च फ्रिक्वेंसी आंशिक और अक्षरेस की आपूर्ति के साथ डील करता है? तो वो नियम 73 का नियम होता है। क्या है? 73 का नियम है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर 73। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 44 किसके संबंध में रखा गया है? तो दोस्तों सेक्शन 44 मीटर के साथ हस्तक्षेप के लिए पेनल्टी रखी गई, यानी अगर आप घर में जो आपका एनर्जी मीटर लगा है उसके आप हस्तक्षेप कर रहे हो यानी किसी प्रकार हटा रहे हो या उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो ये आपका सेक्शन 44 यानी नियम 44 के संबंध में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार के कोर्निडट उपलब्ध है? तो बता दो किस प्रकार के कोर्निडट उपलब्ध है? तो ये होगा आपका फ्लेक्सिबल कोर्डिनेट, हेवी गेज स्टील कोर्डिनेट, PVC कोर्डिनेट, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के हम काम में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड सर्विस रेखाओं का प्रयोग किस दर के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है 25 मीटर से अधिक दूरी के लिए इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान प्रचालन के लिए आइसोलेटर कार्य करता है? तो वो करता है दोस्तों उच्च बार पर। क्या करता है? उच्च बार पर हमेशा आइसोलेटर हम काम में लेते हैं। अगला है, फेरोल्स खालिस्तान के लिए उपयोग होता है? तो बताओ ये सर्किट ब्रेकर के लिए उपयोग होता है। किसके लिए होता है? सर्किट ब्रेकर के लिए उपयोग होता है। अगला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन ITI की एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया है, यानी VVVF का अर्थ बताइए या फुल फॉर्म बताइए। तो ये होता है दोस्तों वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर C। कंपटीशन में भी काफ़ी बार है, क्योंकि दोस्तों ये फुल फॉर्म आपकी किताब में काफ़ी किताबों में नहीं मिल पाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोलर कलेक्टर में पारदर्शी कवर क्यों खालिस्तान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों वातावरण के नीचे कलेक्टर के होने वाली ऊष्मा हानि को घटाता, सही है दोस्तों। केवल सोलर रेडिएशन का संरक्षण, सही है दोस्तों। बहुत ही सुरक्षा, ये भी सही है। ये सभी तो इसका करेक्ट आंसर A। अगला क्वेश्चन है, MHD जनरेटर में कंडक्टर खालिस्तान का बना होता है? तो बताओ दोस्तों MHD में कंडक्टर किसका बना होता है? ये तरल धातु और गैस का बना होता है दोस्तों। आगे, MHD जनरेटर का पावर आउटपुट प्रति इकाई आयतन खालिस्तान के समानुपाती होता है? तो दोस्तों ये गैस के विशिष्ट इलेक्ट्रिकल सहवाहक होता है, सही है दोस्तों। तरल वेग का वर्ग होता है, सही है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र बल का वर्ग होता है, सही है दोस्तों। ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर B। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइडल ऊर्जा का फायदा खालिस्तान। तो बताओ दोस्तों टाइडल ऊर्जा का फायदा खालिस्तान, जल की संभावित ऊर्जा। क्या होता है? जल की संभावित ऊर्जा, करेक्ट आंसर है ये। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पेपर का, मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चे ने अच्छा देखा होगा और मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। फ्यूज सेल में खालिस्तान इलेक्ट्रिक ऊर्जा खालिस्तान द्वारा उत्पादित होती है? तो बताओ दोस्तों किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का प्रतिक्रिया करके हमेशा फ्यूज सेल इलेक्ट्रिक ऊर्जा द्वारा उत्पादित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।